नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, यह बहुचर्चित रोड है जिसको लेकर के दर्जनों जो है आंदोलन किए गए, सैकड़ों जो है दरखास्त दिए गए, जिसके बाद जो है इस रोड का जो है कार्य शुरू हुआ। देख सकते हैं आप जो RCC रोड बना हुआ है, ये करीब करीब लोगों के अनुसार जो 3 महीने पहले का जो है ये निर्माण कार्य है, जो कि अब टूट भी रहा है। लेकिन जिस तरह से जनता जो है यहाँ पे खुश थी और लोगों की को ये अब लग रहा था कि उनके जो है दिन जो है अब बहुरने वाले हैं, और जो गंदा पानी, नाली का पानी लग जाता है, बरसात का पानी लग जाता है, उससे जो है उन्हें निजात मिलेगा, लेकिन कहीं ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि यह करीब जो 200 मीटर रोड बनने के बाद आगे आप देख सकते हैं नजारा क्या है, अभी भी जो है बरसात का जो है पानी लगा हुआ है। और दूसरी समस्या यहाँ पे है, गाँव के लोग हैं जिनको घरों तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बरसात में जो है तमाम समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है, यहाँ पे मौजूद है, उनसे जो है कि उनकी समस्याओं के बारे में अवगत होने की कोशिश करते हैं। जबकि सरकार की तरफ से जो है मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश है कि कोई भी ऐसा नगर हो, गांव हो, ऐसा न छूटे जहाँ बरसात का पानी लगे या लोगों को आने जाने में परेशानी हो। तो सर, हाँ जी, अपना नाम बताइए। मैं दिलीप कुमार कनौजिया, और बबलू फौजी, मैं यहाँ का निवासी हूँ। आप देखते रहिए हालात यहाँ के, एकदम दिखाइए, मैं चाहता हूँ पूरा हाईलाइटेड हो। ये कौन सा जो है गांव पड़ता है? ये आता है, इसमें आधा क्या आता है कुंडेल में है, एक चैनपुर में है। नहीं, एक तिनई खुर्द में उधर वाला है ना। अरे तिनई खुर्द में आता है, मुझे पता है, हम तो पूछो ना। ये जो रास्ता है आपका, ये जो तिनई खुर्द में आता है, ये कुंडेल में आता है। ये कुंडेल में है जी। तो ये कब से जो है ये रास्ता इस तरह से खराब है? अरे सर, यहाँ से नहीं, 10 वर्षों से खराब है। कितने साल से आप लोगों को यहाँ रहते हुए? मैं 4 साल से हूँ जी। तो 4 साल के बीच में आपने किसी संबंधित को दिया ग्राम? बहुत लोग से मैं हेल्प के लिए मैं कोशिश किया हूँ। तो इस पर कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। कितने लोगों की ये बस्ती है? पूरा मोहल्ला हमारा, चलिए ना। कितने देखिए, चलिए मेरा मोहल्ला देखिए, कितने लोग हैं, चलिए देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है कीचड़ लगा हुआ है और स्कूली बच्चे भी इसी जो है कीचड़ से होकर गुजरने को जो है मजबूर हैं। सर, आपका नाम क्या है? रुस्तम साहब, जो है आपका भी मकान? हाँ, इसी में आ गया है हमारा। जाहिर सी बात है, आपको भी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। बहुत बहुत परेशानी हो रहा है, बारिश हो जाता है चलने के लायक नहीं रहता ना रोड, अभी तो थोड़ा सूखा तो चल जाता है। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? हम तो बहुत पहले से इधर आते हैं, इनसे पहले से हम 10 साल से इधर आते हैं, लेकिन आज तक कुछ बना ही नहीं। आज तक हम लोग रावस गिरा के उधर बनाया। हाँ, मेरे मामा चलिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, नाम शंभू ना। शंभू जी, ये आप जो लेकर के आ रहे हैं गाय के लिए, थोड़ा सा आपको रोकने के लिए, कष्ट करने के लिए जो क्षमा चाहते हैं, ये जो रास्ता है, रास्ते की जो बात लोग उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर रास्ता बंद हो जाए तो ठीक है, बड़ा हाचड़ा बा, बहुत खराब रोड बा, इतना खराब बा कि मने अभाव ईटा है, ये कर वो अपन हम धरे नहीं तो जाल आदमी आवेला क्या करब, जोर जोर कर देखा ये सब हमारे ईटा है, हो धैले बनी, हो धैले बनी बिछले बनी, मान लो चल एक फौजी का है, देख लीजिए रोड। लोग तो बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, अभी तो आइए, एक सेवक बन के आइए, मैं तो चाहता हूँ। कोई नहीं, प्रधान से मेरी बात हुई थी, उनसे मेरी बात हुई थी, क्या बोल रहे हैं, मैं काम शुरू किया हूँ वहां से। अरे कभी तो आए आप लोग, अभी मैं बात कर रहा हूँ भाई। ये देखिए बाबू, दिखाओ, ये दिखाओ। हाँ, क्या है? नाली का सर है ही नहीं, नाली तो सर छोड़िए, पहले तो रोड हो जाती तो नाली तो, ये देखिए रोड की हालात देख लीजिए, नाली मतलब नाली भी आप क्या नहीं बना है? बिल्कुल नहीं, नाली नहीं है, रोड नहीं है। बात करने पे लोग अजूबे टाइप के बातें कर रहे हैं। ये जो पानी लगा हुआ है, ये सब किसी की जमीन है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल उनकी जमीन है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जो सत्य है सत्य है सर। हाँ बिल्कुल, जिसकी जमीन है उसकी है। हाँ ये देखिए हालात देखिए, चलते रहिए, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे के मुखिया जी हैं, बात करने पे एकदम बिल्कुल नहीं। घर का जो है पानी इसमें से निकल रहा है, और ये किसी की जो जमीन है जो बाउंड्री की गई है अब तक खाली है, तो इसमें जो है ये लोग पानी बहवा रहे हैं। अगर ये कल को जो है घर बन जाता है तो इन लोगों का पानी जो है घर में ही सूखेगा, या घर में ही जो कोई व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी। इसके लिए न ही ग्राम प्रधान इस पर जो ध्यान दे रहे हैं, न ही जनप्रतिनिधि ध्यान है।
कुल मिला के कहीं पर भी मिट्टी के सिवा जो है खड़ंजे का जो है नामो निशान नहीं है, एक ईंट भी रखा नहीं गया है। ये करीब 10 साल का हो गया, जैसे ये हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तक देख लीजिए आप लोग, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मेरा नाम है दिलीप कुमार कनौजिया बबलू फौजी। मैं बोला जो भी आए झांसा देके यहीं पे गए थे, यही प्रधान जी जो बने हैं बिल्कुल बोले थे कि ठंडा की ठंडा में लकड़ी गिरा था तो लोग लूट लिए, मैं जब आऊंगा तो बनवा दूंगा। क्या बनवा दिए आप, देखिए क्या बना। तो मजबूर है आज के दौर में जब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ जो है बढ़ रहा है, ये कहना है अधिकारियों का। हाँ जी जी जी, जब बाबा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हर गली में विकास हो, तो बिल्कुल होना ही चाहिए ना जी। मंजूर सर, कौन से बस्ती है ये? नहीं खोल रहे यहाँ पे, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, और प्रधान जी बोले कि हम बनवाएंगे इस रोड को, और अभी तक बनवाए नहीं, और 20 साल से ये समस्या हम लोग झेल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर रोड बन जाए, खरंजा भी बीत जाए, तो कुछ तो हम लोग को मतलब समस्या का हल हो जाए। जी नहीं, बस मिट्टी वो रामबली प्रधान गिरवाए हैं, मिट्टी सिर्फ गिराए हैं जी, उसके अलावा जो और कोई काम कुछ नहीं। तो आप आ जाइए। नाम का है नागमा खातू। तो कौन गांव है? कौन गांव है? तिलदाईपुर। तो एक रास्ता उस्ता में जो ना पानी लागल बा, कब से बा? तो वो बा 5-6 साल से। कब जो ना रास्ता बनल? ना ना कब ना रास्ता बनल बा, माटी उटी कुल गिरल बा, खाली माटी ही गिरल बा ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है महिलाएं भी हैं, जो साफ तौर से जो अपनी बातें जो है बता रही है, अपनी समस्या को बता रही है। यह है चेन्नई खुर्द का एक छोटा सा जो है मौजा, जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की तमाम समस्याएं हैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं जो कि स्कूल भी इसी रास्ते जाते होंगे, उनके ड्रेस खराब होने के भी का भी डर रहता होगा। मैं चाहूंगा अगर कोई भी अधिकारी जो है इसको वीडियो को देख रहा है, इस खबर को देख रहा है, तो उसको संज्ञान में लेकर के इस पर जरूर जो है एक बार विचार करें और इनकी समस्याओं पर उनका निदान हो पाए। भारत मीडिया के लिए सज्जाद हुसैन के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, आप देखते रहे भारत मीडिया चैनल।